नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। समय संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान, विनय कटियार जी। विनय कटियार जी हिंदुत्व का एक बड़ा नाम है, उत्तर प्रदेश की बीजेपी की राजनीति का एक बड़ा चेहरा, इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं। इससे पहले कि हम इनसे बातचीत का सिलसिला जारी करें, आइए जान लेते हैं आपके राजनीतिक सफ़र के बारे में। उत्तर प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद विनय कटियार का जन्म 11 नवंबर 1954 को कानपुर में हुआ। कानपुर विश्वविद्यालय से कॉमर्स में ग्रेजुएट कटियार विश्व हिंदू परिषद के यूथ विंग बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष हैं। कटियार बीजेपी के महासचिव और लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उन्होंने सियासी सफर की शुरुआत की। 1970 से 74 तक एबीवीपी की यूपी यूनिट के संगठन सचिव और जयप्रकाश नारायण के बिहार मूवमेंट में संयोजक की भूमिका में भी काम कर चुके हैं। भाषण की ओजपुर शैली की वजह से कटियार 1980 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक बनाए गए। 1982 में हिंदू जागरण मंच का गठन किया और 1984 में राम जन्मभूमि आंदोलन को समर्थन देने के लिए बजरंग दल की स्थापना की। इसके बाद 2002 से जुलाई 2004 तक कटियार बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष रहे और 2006 में पार्टी के महासचिव बनाए गए। 1991, 1996 और 1999 में फैजाबाद से लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कटियार बतौर सांसद कृषि, ग्रामीण विकास, रेलवे, सूचना तकनीक, रक्षा और गृह मंत्रालय की अलग अलग कमेटियों में भी रह चुके हैं। ये था विनय कटियार जी का संघर्ष से भरा राजनीतिक सफर। विनय कटियार जी, समय संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरा राजनीतिक जीवन, जिस तरीके से संघर्ष किया आपने, क्या क्या कठिनाइयाँ आईं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? नहीं, हमको कोई खास कठिनाई नहीं आई। हम तो राम जन्मभूमि आंदोलन के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे और जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत हमने की, कई संगठन निर्माण कर दिए, हिंदू जागरण मंच की स्थापना की, बजरंग दल को हमने बनाया, दुर्गा वाहिनी को खड़ा किया, जन्मभूमि का काम करते करते माननीय अशोक जी सिंघल और हमारे और कई लोगों के आग्रह पर मैं चुनाव लड़ने चला गया 91 में। 91 से राजनीतिक सफर प्रारंभ हुआ और तब से लेकर के अभी तक चल रहा है। 3 बार मैं लोकसभा का सांसद रहा हूँ, 2 बार मैं राज्यसभा का सदस्य रहा हूँ, मैं पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री रह चुका हूँ, पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, प्रदेश में भी मैं महामंत्री रहा हूँ, उपाध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। तो एक प्रकार से सभी पदों पर मैं रहा हूँ। राष्ट्रीय कार्य समिति में बहुत सालों से हूँ, लगातार चलता चला आ रहा हूँ। राम मंदिर का जो आंदोलन या राम मंदिर बनवाने की बात कब आपके दिमाग में आई कि राम मंदिर बनना चाहिए? नहीं, ये तो 1982 में आई जी। फिर आंदोलन शुरू हुआ धीरे 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 धीरे। माननीय अशोक जी सिंघल, दाऊदयाल खन्ना, महंत अभयनाथ जी, मैं, ऐसे 4-5 लोगों ने शुरुआत की। धीरे 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 ये कारवां बढ़ता गया जी। और वो रूप उन दिनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं हुआ करता था, प्रिंट मीडिया ही रहा करता था, तो थोड़ा छपता था, 4 लाइन छपता था, लेकिन हम लोग निराश नहीं हुए। आगे बड़े बड़े सम्मेलन किए, संत सम्मेलन किए, कार्यकर्ता सम्मेलन किए, तो वो एक रूप बड़ा भारी हो गया। और उसमें हमारे महंत अभयनाथ जी, माननीय अशोक जी सिंघल सहित आचार्य जी, राजकिशोर जी, इन सबका बड़ा भारी योगदान रहा है। आज बीच में तीनों लोग हमारी महान भूतियाँ नहीं हैं। विनय कटियार जी हिंदुत्व के हक में एक तूफान का नाम रहा है और आज हिंदुत्ववादी कई और बड़े नेता की भी चेहरे सामने आ रहे हैं, क्या कहना है उन नेताओं के बारे में आपको? नहीं, अच्छा है जो हिंदुत्व के चेहरे आ रहे हैं। ये सब राम जन्मभूमि आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, तो उसके कारण से उनका चेहरा बन रहा है, खुशी होती है कि चेहरा उनका है। लेकिन कुछ ऐसे बन गए हैं जिनका कोई जन्मभूमि से मामले से मतलब नहीं है, ऐसे भी कुछ चेहरे हैं जी जिन्होंने कोई जन्मभूमि का आंदोलन चलाया नहीं, देखा नहीं, लेकिन
लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए वो हुआ। रितंबरा हमारे यहाँ बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया काम करती थी, बड़ा उसने आंदोलन में भाग लिया। उनके गुरु जी महाराज स्वामी परमानंद जी महाराज, उनका बड़ा भारी योगदान रहा है। ये सब ऐसे नाम हैं, जब इनके विचार करके कोई पुस्तक लिखी जाएगी तो सारा इतिहास सामने आएगा। आपको नहीं लगता कि जो लोग जिनका बड़ा योगदान नहीं रहा इस राम मंदिर आंदोलन में, आज सबसे ज़्यादा बयानबाजी राम मंदिर के पक्ष में वही लोग करके अपने को चर्चित कर रहे हैं? नहीं, पीढ़ी बदलती है तो उस बदलाव के साथ अगर कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आंदोलन एक सतत प्रक्रिया है। अभी राम जन्मभूमि का समस्या का समाधान नहीं हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। अब केस सुप्रीम कोर्ट में है तो स्वाभाविक है कि जब तक निर्णय नहीं होता है, संसद से कानून बने या सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आए या बातचीत के माध्यम से निकले, लेकिन इनमें अभी बहुत बाधाएं हैं जी। और जब तक आंदोलन नए सिरे से खड़ा नहीं किया जाएगा तब तक ये बाधाएं दूर नहीं होंगी। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग जो जुड़ रहे हैं उनको जुड़ना चाहिए, और भी संख्या में जुड़ना चाहिए, वो काम करते रहें तो अच्छा लगेगा। आप हिंदुत्ववादी बड़े नेता हैं, आपने कई संगठन जो हिंदुत्ववादी थे उनको भी आपने स्थापना की उनकी, आज नहीं लगता कि चाहे आपका दुर्गा वाणी हो, चाहे बजरंग दल हो, जो पहले आंदोलन करते थे राम मंदिर के लिए या और सामाजिक चीज़ों के लिए भी करते हैं, आज उनकी कुछ निष्क्रियता नज़र आ रही है? अब समय की बात है, जब एक आंदोलन ठप हुआ ढांचा गिरने के बाद तो स्वाभाविक है लोगों की प्रसन्नता हुई, ढांचा गिर गया अब तो निर्माण का काम होना है, तो निर्माण के काम में भी लगा कि भाई जल्दी हो जाएगा, लेकिन इतनी लंबी प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो समय लगेगा लेकिन होगा। ये संग्रहालय की बात महेश शर्मा जी ने की कि वहाँ संग्रहालय बनाया जा रहा, आपको लगता है कि संग्रहालय बनाया जा रहा राम मंदिर की बात पीछे छूट रही है? नहीं नहीं, हमने उसमें एक बयान भी दिया था। देखिए राम ये जो संग्रहालय है, रामायण संग्रहालय, ये बनना चाहिए जी, लेकिन अयोध्या में बनना चाहिए जी। वो कहीं ज़मीन कोई दे रहा है 25-30 किलोमीटर बाहर, तो उसका कोई मतलब नहीं है। पूरे हिंदू समाज को दिग्भ्रमित करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। पहले राम मंदिर बनाइए, फिर आप राम थीम पार्क बनाओ। हाँ, अयोध्या के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, बिजली की बड़ी भारी समस्या रहती है, 24 घंटे बिजली मिलना चाहिए, उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। हमारी कल्याण सिंह की सरकार थी, राजनाथ जी की सरकार थी, 24 घंटे हम बिजली देते थे। साल में 4 मेले होते हैं, तो 4 जब मेले होते हैं तो उसी हिसाब से हमको व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो वहाँ पर सबसे बड़ी असुविधा होती है कि लेटरिन रूम कहाँ जाएं, पेशाब कहाँ करें, सब सड़क पर कर देते हैं। पहले बैलगाड़ी से आते थे लोग, तब ट्रैक्टर वैक्टर नहीं हुआ करते थे, तो बैलगाड़ी के नीचे ही माताएं बहनें अपना फ्रेश हो लेती थी। हैंडपाइप नहीं हुआ करते थे, हैंडपाइप वहाँ लगवाए, किसी प्रकार से काम चलता था। आश्रम में सब जा कर के रुकते थे और वहीं पर बैलगाड़ियाँ भी रहती थी, तो आश्रम में भी कुछ व्यवस्था हो जाती थी तो उससे उनका करते थे। आज ट्रैक्टर भी आश्रम में नहीं पहुँच पाते हैं, बैलगाड़ी तो आती नहीं है। अब वो आश्रम में जब ट्रैक्टर ही नहीं आ पाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अभी एक बड़ी भारी दुर्घटना हो गई, बेचारे वो डिवाइडर पर सो रहे थे, ट्रक चढ़ गया, 5-6 लोग मर गए उसमें। यहाँ पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। विनय कटियार जी से हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है, हमारे साथ हैं विनय कटियार जी। कटियार साहब, आप राम के बारे में एक बात कहते हैं कि सब लोग रहेंगे ठाट में और राम रहेंगे टाट में, तो क्या नहीं लगता कि अभी जो आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा रही है राम मंदिर के बारे में जो बात कही जा रही है उससे आप सेटिस्फाई हैं? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि इसके लिए बहुत सक्रिय भूमिका की ज़रूरत है। जैसे अन्य कामों के लिए पूरा मन तन मन सब लगता है, धन भी लगता है, यहाँ धन तो अभी लगाने की ज़रूरत नहीं, तन और मन ये लगाने की ज़रूरत है। तो हमारी सरकार को भी लगाना चाहिए। हमने कहा 3 ही ऑप्शन हैं, या तो बातचीत के माध्यम से समस्या का हल हो,
या अदालत के माध्यम से हो या संसद के अंदर कानून बनाकर हो। अब बातचीत से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है जी। लेकिन दो ऑप्शन हैं कि एक का कानून बना करके काम किया जाए। अगर हमारा आज लोकसभा में तो बहुमत है लेकिन राज्यसभा में नहीं है, तो हम देखते हैं, थोड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भई ये विधानसभाओं के चुनाव हो जाएं, पांच राज्यों के हैं, तो अगर हमारा बहुमत उनमें आ गया तो यहाँ से जो राज्यसभा के चुन करके लोग आएंगे तो हमारा बहुमत राज्यसभा में भी हो सकता है, तो उसकी प्रतीक्षा की जा सकती है। अगर हमारा नहीं आ पाता है तो लोकसभा में हम कानून बनाएं और हम जनता को बताएं भाई जितना हमारा बहुमत था हमने काम किया, हम कहीं राम जन्मभूमि के प्रति उदासीन नहीं है, हम पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। एक मैसेज देने की बात है, लोगों को लगना चाहिए कि राम मंदिर के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो तो अदालत ने कह दिया, हाई कोर्ट ने, कि ये जो परिसर है, ये जहाँ पर खुदाई की गई है, डिगिंग हुई है, ये राम जन्मभूमि है। ये उसने अपने आदेश में लिख दिया कि ये राम की जन्मभूमि है। और जब आपने ये लिख ही दिया ये राम की जन्मभूमि है, तो फिर तीसरा हिस्सा मुसलमान पक्ष को देने की ज़रूरत क्या थी? आप वो नहीं देते तो झगड़ा वहीं से ख़त्म हो जाता, हम राम का मंदिर बनाते, हिंदू मुसलमान सब मिल करके आते, वातावरण अच्छा था, सारे मुसलमान भी आते, आज भी सब तैयार है, बहुत से मुसलमान तैयार हैं, बहुत से नहीं तैयार हैं, तो ये सब जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई भी ख़त्म हो जाती, तो वहाँ पर राम मंदिर उसी रूप में बनना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो भी कहा जाता था कि गठबंधन धर्म निभाना जरूरी है, अब तो पूरी सरकार है, उसमें कोई पूर्ण बहुमत की सरकार में कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जब से कभी आपकी कोई बात हुई राम मंदिर के मामले में? नहीं, मेरी बात नहीं हुई जी। मैं समझता हूँ बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसीलिए नहीं है, वो जागरूक हैं, वो जान रहे हैं सारी चीज़ें कि क्या करना है, तो वो करेंगे, हमको पूर्ण विश्वास है इस काम को वो करेंगे। प्रधानमंत्री जी से अभी मुलाकात आपकी सरकार बनने के बाद नहीं हुई? नहीं, वैसे तो मुलाकात हुई है जी, होती रहती है, लेकिन हमने कोई बातचीत नहीं की, राम जन्मभूमि या किसी विषय पर हमारी बातचीत नहीं हुई। जिस तरीके से आप बता रहे, समाजवादी पार्टी भी वहाँ करा रही है कुछ कार्य, करा रही है भारतीय जनता पार्टी भी संग्रहालय कार्य करा नहीं रही, वो लालीपाप करा रही है जी। हाँ, उसका भी धन नहीं है, जमीन नहीं है, तो कैसे हो जाएगा? जमीन तो चाहिए, और राज्य सरकार को जो ज़मीन देना है केंद्र सरकार को, पर्यटन विभाग को, वो भी नहीं दे रही है। प्रदेश सरकार के लोगों का तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी तो चूँकि चुनाव उत्तर प्रदेश में आ गए हैं इसलिए उनको संग्रहालय की याद आ गई, अभी तक तो कभी कोई बात इस संबंध में नहीं। वो गलत सोच रहे हैं, अगर ऐसा सोच रहे हैं, हमने रामकथा पार्क वहाँ बनवाया हुआ है, बड़ा भारी बना स्टेडियम बना हुआ है, वहाँ पर कई हमारे गेस्ट हाउस बने हुए हैं, इस प्रकार का काम हमने कराया है, वहाँ पर बड़ा भारी बस अड्डा हमने बनवाया हुआ है, नदी के किनारे बनाया हुआ है, ये सब पहले से व्यवस्थाएं की हुई हैं, ये सब किया है भारतीय जनता पार्टी ही ने, वहाँ जो कुछ किया है तो किया, बाकी किसने किया है? ये समान नागरिकता जो कानून लागू हो रहा है, क्या आपको लगता है कि ये कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए, सब पर लागू होना चाहिए? कोई ज़रूरी नहीं कि जब महिलाओं का तीन तलाक का मुद्दा आया, मुस्लिम महिलाओं का, तब ये बात उठी? नहीं, देखिए, समान कानून जो लागू करने की बात है, समान आचार संहिता लागू हो, तो इसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा जी। बहुत बाधाएं हैं उसमें, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी है, हिंदुत्व पर भी परिभाषा आई है, कॉमन सिविल कोर्ट पर भी उनका निर्णय आ चुका है, और जब कॉमन सिविल कोर्ट की बात आ गई तो वो सब पर लागू होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जब विरोध में थी तभी कहती रही है कॉमन सिविल कोर्ट का जो है, जो भी निर्णय आया है उसको हम लागू करेंगे और लागू करना चाहिए। जो सरकारें रही हैं उनसे भी यही आग्रह करती रही, राज्यसभा में लोकसभा में लगातार इसकी चर्चा होती रही। अब हमारी सरकार आ गई तो हम उस ओर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं सद्भाव बिगाड़ने से काम नहीं चलेगा, सद्भाव बनाते हुए इस प्रकार का काम हो कि वो आचार संहिता भी लागू हो जाए और उस समस्या का समाधान भी हो। लेकिन जहाँ तक तीन तलाक का सवाल है, तो तीन तलाक के मामले में बहुत हो गया है कि भाई आप किसी को तीन बार कह दो ये तलाक है तो उसके बाद उसका तलाक हो जाए,
अब वो बूढ़ी हो जाती हैं, कहाँ जाएं। कश्मीर में धारा 370 लागू है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसका विरोध करती रही कि धारा 370 खत्म होना चाहिए। अब पूर्ण बहुमत में सरकार है, क्या लगता है कि इस पर निर्णय होना चाहिए कुछ? नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, मिली जुली सरकार है, और इसीलिए 370 की जो बात है अभी वहाँ संभव नहीं है कि इसको समाप्त किया जाए। जब तक पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती है अपनी केंद्र से काम नहीं चलेगा जी। वो तो राज्य जब तक प्रस्ताव जी नहीं जी पास करे, प्रस्ताव बना। हाँ, राज्य सरकार जब प्रस्ताव पास करेगा। मेरा कहने का मतलब, क्या केंद्र को पहल करना चाहिए इस पे? नहीं, वो पहल हो नहीं सकती है, अनावश्यक, और उससे तनाव पैदा होगा। तो अभी उसको इस विषय को छेड़ने का समय नहीं आया, बल्कि ये जरूर आया जो हिंदू वहाँ से निकाले गए, जिन्होंने लाखों की संख्या में अपना घर छोड़ा है, उनको पुनः वहाँ बसाया जाए कश्मीर की घाटी में, उसके लिए योजना बन रही है, उसके लिए धन भी आमंत्रित हो गया है, धन चला गया है। लेकिन आज कश्मीर की विषम परिस्थिति है थोड़ी सी, वहाँ कर्फ्यू चल रहा है, और जो स्कूल वगैरह हैं वो भी सब ध्वस्त हो रहे हैं, 100 के करीब स्कूल ध्वस्त हो चुके हैं जो मीडिया में आ रहा है। तो ये भारी संकट है, अभी स्थिरता होने दो, तो वहाँ पर अलग से कॉलोनी बना करके उनको बसाने का काम हम करेंगे, ये हम वचनबद्ध हैं। धन जा चुका है, जमीन देखी जा चुकी है, वहाँ पर हम इस काम को करेंगे। यहाँ पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। विनय कटियार जी से हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। कटियार साहब, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा प्रभुत्व है आपका, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वहाँ चुनाव प्रचार में लगी हुई है, सरकार इस बार आएगी? जरूर आएगी, और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, किसी के सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चारों तरफ वातावरण, गांव गांव वातावरण, जाति पात धर्म भेद सब समाप्त हो जाएगा, चुनाव में सारे लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने भाजपा की सरकार को भी देखा है, जहाँ सांप्रदायिक तनाव नहीं हुए उत्तर प्रदेश में। कल्याण सिंह की सरकार रही, राजनाथ जी की सरकार रही, राम प्रकाश गुप्ता की सरकार रही, हमारे तीन तीन मुख्यमंत्रियों की सरकारें रहीं, कहीं सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ, और सब जगह विकास चारों तरफ बढ़ा। हमने नहरों की सड़कों को पक्का कराने का काम किया, अंतिम टेल तक पानी जाए नहरों का, उसकी हमने व्यवस्था की। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को और दलितों को इकट्ठा करने में लगी हुई है, लेकिन आप जैसे वरिष्ठ नेता क्या अपनी भूमिका से संतुष्ट हैं इस समय? नहीं, ये बात ठीक है, अभी हमको भी काम करने की ज़रूरत है। अब जो जिम्मेदारी मिलेगी वो काम करेंगे, जिस प्रकार की जिम्मेदारी दी जाएगी चुनाव में वो काम करेंगे, छोटी हो बड़ी हो, और मैं समझता हूँ कि हम पूरी ताकत के साथ काम करेंगे इस चुनाव में, क्योंकि ये जीवन और मरण का सवाल होता है चुनाव, ये पहचान का सवाल होता है, और उसके लिए हम काम करेंगे, और मुझे लगता है कि हम उसमें सफल होंगे। आपको नहीं लगता कि जो जिम्मेदारी आपको जल्दी मिलनी चाहिए, उस जिम्मेदारी मिलने में देरी हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं, हमको जहाँ काम करना हम अपने ढंग से कर रहे हैं जी। हाँ, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है, और वो ठीक काम हो रहा है। जो और राजनीतिक दल हैं वहाँ के लोग भी आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस के लोग हों, वो आपके दल में आ रहे हैं। निश्चित रूप से जब वो आ रहे हैं तो टिकट लेने के लिए आ रहे हैं, तो ऐसे में नहीं लगता कि जब वो लोग आ रहे हैं और उनको टिकट दी जाएगी तो आप अपने दल के ही लोगों के साथ अन्याय करेंगे? नहीं, हम सबको टिकट देने वाले नहीं जी, लेकिन कुछ लोगों को टिकट तो हम देंगे ही देंगे, जिनकी लोकप्रियता है, बड़े नेता हैं, वहाँ हमारा कैंडिडेट नहीं है ठीक, हम तो उस कैंडिडेट के हिसाब से टिकट देने का काम करेंगे, कि वहाँ पर अगर हमारा कैंडिडेट है तो पहले हम उसको देंगे, बाहर से आए हुआ अगर व्यक्ति हमारा मजबूत नहीं है तो हम उसको टिकट देने का काम नहीं करेंगे। एक बड़ा मुद्दा आया था कि कुछ गलत छवि के लोगों को पार्टी ने ले लिया, जैसे बाबू सिंह कुशवाहा का मुद्दा आया कि उनकी छवि अच्छी नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी ने उनको
पार्टी में लेकर एक बड़ा नुकसान किया। चुनाव के समय लोगों की धारणा बन गई कि जब भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को ले रही है जिनके बारे में अभी तक वो विरोध करती रही, उनके साथ नारेबाजी करती रही, उनके खिलाफ आज वो पार्टी में आ गए, इस तरीके से फिर कम कहीं स्थिति बन रही, कुछ खनन माफिया आपकी पार्टी में आ रहे हैं, फिर वो लोग पार्टी के लोग कह रहे हैं, फिर इसी तरीके की स्थिति बनेगी, तो फिर हालात ये मैसेज गलत जाएगा, जिसका मुझे लगता है पूरे प्रदेश में गलत असर पड़ेगा। बाबू सिंह कुशवाहा की आपने बात कही जी, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, उससे फ़ायदा हुआ, हमारा बुंदेलखंड में बहुत फ़ायदा हुआ, कुशवाहा वोट हमको मिला है। जो लोग कहते हैं कि नहीं मिला है वो गलत फहमी में जी रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि जिस प्रकार के उन पर आरोप लगे उसके आधार पर पार्टी की बदनामी हुई जी, उनको नहीं लेना चाहिए था, ज्वाइन हमने ही कराया जी। लेकिन पार्टी का जो आदेश था हमने उसका पालन किया, लेकिन आज वो उनको ज्वाइनिंग कराने के बाद भी थोड़े दिन के बाद ही पार्टी के बाहर चले गए वो, और उन्होंने स्वयं से कहा कि अब हम पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं, जब तक आरोप मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक हम पार्टी के बाहर रहेंगे। फिर सबको मालूम है जेल के अंदर गए हैं, बाहर आ गए हैं, जमानत पर हैं, लेकिन अभी पार्टी से कोई उनका संबंध नहीं है। फिर इसी तरीके से कुछ लोग जो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर खनन का एक बड़ा व्यापार करते थे, आज वो आप पार्टी के मुख्य धारा में जुड़े हुए हैं, इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में काफ़ी निराशा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है खनन वाले कोई हमारे जुड़े हुए हैं, ऐसे तो कोई नाम नहीं है जी जिनको हमने ज्वाइन कराया हो जी, ऐसा कोई नहीं। समाजवादी पार्टी का जो खनन माफिया है वो समाजवादी पार्टी में है, हमारी पार्टी में नहीं है जी। ना ऐसे लोग हम लेंगे, ना ऐसे लोग सहन करेंगे। क्या लगता है कि जिस तरीके से अंतरकलर समाजवादी पार्टी में चल रही है, उनका यह आरोप है कि रामगोपाल यादव भारतीय जनता पार्टी से मिलके हमारे यहाँ अंतरकलह करा रहे हैं? नहीं, गलत आरोप है ये जी। उनको इसकी ज़रूरत क्या है अंतरकलह कराने की? रामगोपाल जी राष्ट्रीय महामंत्री रहे अपने पार्टी के, आज उनका निष्कासन हो गया वो अलग बात है, एक जिम्मेदार आदमी है वो, राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अपने दल के नेता हैं, उनकी नेता की भूमिका है वहाँ पर। तो कोई किसी से मिल जाए, नमस्ते कर ले और कह दे तो कि नहीं वो उस पार्टी में चला गया, तो ये गलत धारणा है। नहीं, लोगों का कहना है कि विनय कटियार जी ने पहले तो रामगोपाल जी को आमंत्रण दिया है कि आप हमारी पार्टी में आइए। नहीं, हमने आमंत्रण कोई नहीं दिया जी, लेकिन अगर वो आते हैं और कहते हैं कि हम भाजपा में आना चाहेंगे तो स्वाभाविक है हम उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे उनको लेने के लिए। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से प्रदेश में विकास कार्य किया, विरोधी दल भी मानते हैं कि उन्होंने विकास किया, एक विकास के चेहरे के रूप में उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी भी विकास के नाम पे ही चुनाव लड़ेगी, तो कैसे काउंटर करेगी अखिलेश के विकास? नहीं नहीं, हम काउंटर नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है सबको मालूम है, ये ठीक है, काफ़ी दिन बने हो गए सरकार के, नए युवा आ गए, बहुत से मतदाता युवा बन गए हैं, तो नए सिरे से आएगा। हाँ, ये बात ठीक है कि अखिलेश ने भी अच्छे काम किए हैं जी, लेकिन विनाश तो उनके परिवार के लोग कर रहे हैं, इसमें तो बाहरी कोई व्यक्ति है नहीं, ये घर का जो झगड़ा है ये झगड़ा जल्दी निपटने वाला नहीं है। जो गठबंधन की बात, महागठबंधन की बात हो रही है, मुलायम सिंह यादव और नीतीश जी और सब मिलके एक महागठबंधन बना रहे हैं कांग्रेस के साथ मिलके, क्या लगता है कि बिहार की तरह उत्तर प्रदेश की पुनरावृत्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। नीतीश का क्या स्थान है या नीतीश जी का उत्तर प्रदेश में? कहीं कुछ तो नहीं है। ना लालू जी का स्थान है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस की जो हालत है वो सबको मालूम है, तो किसका गठबंधन है यहाँ? कटियार साहब, आप हिंदुत्ववादी चेहरे के अलावा में, हालांकि आप सभी वर्गों में लोकप्रिय हैं, लेकिन आप अपनी खास बिरादरी में बहुत लोकप्रिय माने जाते हैं, एक छत्र नेता माने जाते हैं, कटियार बिरादरी माने जाते हैं, उसके बाद भी ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि पार्टी को उसी बिरादरी में और वोट बैंक बढ़ाने के लिए अनुप्रिया पटेल को लाना पड़ा? नहीं, उसकी पार्टी थी तो वो अपनी पार्टी के नेता थे तो स्वाभाविक है, उसको टिकट दिया हम लोगों ने, पार्टी ने टिकट दिया, वो जीत करके आ गई, और जीत करके आ गई तो उसको मंत्री भी बना दिया जी, ये काम अच्छा हुआ है जी। इसमें बिरादरी का और उसका सवाल नहीं, कोई इस स्पर्धा में खड़ा करने के सवाल नहीं उठता। लेकिन अभी पूरी अपना दल पार्टी अनुप्रिया के साथ है मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि संगठन तो उसकी माँ के साथ है जी, जहाँ माँ जा रही है सारे संगठन के लोग वहाँ हो रहे हैं जी, इनके लिए थोड़ी कठिनाई पैदा हो रही है, लेकिन कठिनाई के बावजूद भी वो मंत्री है तो लोग आते हैं मिलने जुलने के लिए, चलता रहता है। अभी कई, अगर एक जाति के कई लोग खड़े हो जाएं तो इसमें ईर्ष्या द्वेष की क्या बात है, तो और होना चाहिए।
लोगों का मानना था कि ये केंद्र सरकार में विनय कटियार जी को नेतृत्व मिलना चाहिए, यानी कि मंत्रिमंडल पद के अगर हकदार थे तो विनय कटियार जी थे। ऐसी स्थिति में कुछ आपके समर्थक ही अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं कि निर्णय गलत रहा पार्टी का। हाँ, कार्यकर्ता करते हैं जी, वो आशा भी करते थे जी, लेकिन जो पार्टी का निर्णय है वो शिरोधार्य है। पार्टी को लगा होगा कहीं कुछ गड़बड़ है तो इसलिए नहीं बनाया, तो इसके लिए हायतोवा मचाने की क्या जरूरत है। विनय कटियार के मंत्री के नाते से पहचान नहीं है जी, उनकी जो पहचान है वो हिंदुत्व के कारण है, हिंदू जागरण मंच के कारण है, बजरंग दल के कारण है, दुर्गा वाहिनी के कारण है, बाकी सब के कारण है, राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण है। कटियार साहब, आप राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, राम मंदिर आंदोलन जब बाबरी मस्जिद ढही, भाई बाबरी मस्जिद नहीं थी वो जी, हाँ 1528 में बाबर ने हमारे राम मंदिर को तोड़ा जी, वो बाबरी मस्जिद नहीं थी जी। हाँ चलिए मैं उसी घटना की बात करता, उस घटना के कुछ कोई संस्मरण आप सुना दीजिए जो बड़े आपको अच्छे लगे हों, या आपके आपके लिए बड़ा प्रेरक रहे, हम लोगों के लिए भी प्रेरक हों, जनता भी सुनना चाहेगी, क्या ऐसे उस समय संस्मरण थे कुछ आप अगर बताना चाहें। नहीं, कोई खास संस्मरण नहीं थे जी, लेकिन एक बात जरूर है, जब हम लोगों ने आह्वान किया पूरे देश के लोगों ने, और मुलायम सिंह जी ने पूरी अयोध्या बहन कर दी, कोई घुस नहीं सकता था, फैजाबाद से लेकर के अयोध्या तक नावें बंद कर दी गई थी, सरयू नदी की सब कुछ बंद हो गया था, कार्तिक पूर्णिमा का मेला था वो भी सब बंद कर दिया गया, तो उस समय लोग इलाहाबाद से पैदल चल करके अयोध्या पहुँचे, कानपुर से लोग उतरे, लखनऊ में लोग उतरे, अयोध्या के लिए पैदल आए, गांव-गांव से सब चले आए, जिस गांव घुस जाते थे वहां गांव वाले लोग उनको खाना खिलाते थे, रहने की व्यवस्था करते थे, किसी ने कोई व्यवस्था हम लोगों ने संगठन के आधार पर नहीं की थी, स्वप्रेरणा के साथ राम जन्मभूमि के काम के लिए लोग आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा इसमें, और इसके लिए क्या तैयारी आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, अभी सोच कुछ नहीं रहा हूँ, सोचने का समय आए तो जरूर सोचेंगे, विचार करेंगे, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, संघर्ष के बिना राम मंदिर का निर्माण संभव नहीं। अब ये संभव नहीं है, राम टाट बने, बाकी लोग ठाट बने, मौज करें, आनंद उठाएं, ये नहीं हो सकता। अभी जो स्थिति दिख रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों को ही आगे कर रही है, राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने लगता है कि पीछे छोड़ दिया। ये अच्छी बात है, हम राम को चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहते, और इसीलिए हमने कहा कि चुनाव में हम कभी भी हमने राम का मुद्दा बनाया ही नहीं, चुनाव के नाम पर हम वोट नहीं, राम के नाम पर हम चुनाव में वोट नहीं मांगते, हम वोट तो विकास के नाम पर मांगते हैं, और विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, मोदी हमारे चेहरा होंगे। कटियार साहब, पहले भारतीय जनता पार्टी में संगठन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था, लोग संगठन के इर्द गिर्द घूमते थे, अब आप लोगों का मीन्स आप लोगों का ही आरोप है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का ही कार्यकर्ताओं का आरोप है कि संगठन से ज़्यादा अब वहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया है, यानी कि व्यक्ति के आगे पीछे लोग घूमते हैं, क्या लगता है ये संगठन के हिसाब से पार्टी के हिसाब से उचित है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और जहाँ तक हमको ध्यान में आ रहा है और जो मैं कार्यप्रणाली को देख रहा हूँ तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें सब कार्यकर्ताओं को काम मिल रहा है, हमारे बूथ सम्मेलन चल रहे हैं, विभिन्न सामाजिक समीकरणों के आधार पर उनके काम हो रहे हैं, उनके सम्मेलन किए जा रहे हैं, बड़ी भारी संतों की एक यात्रा निकली थी, महाबौद्धों की यात्रा निकाली गई थी बुद्धिस्टों की, वो सब दलितों के बीच में काम उन्होंने किया, अभी दलित सम्मेलन होने जा रहा, पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन होने जा रहा है, हर वर्ग के सम्मेलन हम करने जाएंगे, जाति सम्मेलन भी करेंगे, सब करेंगे। कटियार साहब, एक अंतिम सवाल, 1992 में आप लोग जय श्री राम कहते थे और आज भी आप जय श्री राम कहते हैं, क्या अंतर नज़र आ रहा आपको? नहीं, वो आंदोलन का जय श्री राम था जी, आज आंदोलन और भक्ति का जय श्री राम था, आज आंदोलन उसमें से नहीं है, आज भक्ति है जय श्री राम का, ये अंतर हो गया, भक्ति में हम जय श्री राम का लगा रहे हैं, उस समय भक्ति और शक्ति आंदोलन इसका जय श्री राम का नारा लगता था, अब आंदोलन का शब्द जब जुड़ेगा तो फिर चालू हो जाएगा जय श्री राम, उसमें भक्ति भी होगी, उसमें आंदोलन भी होगा, उसके लिए थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ेगी। तो आपको लगता है कि वो जय श्री राम दोबारा फिर गूंजेगा? जरूर गूंजेगा, देखते चलिए क्या होता है, बाबा विश्वनाथ मंदिर भी मुक्त होंगे, मथुरा भी मुक्त होगी। धन्यवाद, ये थे विनय कटियार जी। विनय कटियार जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और राम मंदिर हर कीमत पर बन के रहेगा। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए समय यूपी उत्तराखंड सहारा प्रणाम।